10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 19 जून को चुनाव कराया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश में होने वाला है, क्योंकि जब से कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, एमपी की सियासत का रंग ही बदल गया है। सिंधिया अकेले बीजेपी के पास नहीं गए, बल्कि 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार को आउट कर दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी हैं, ऐसे में मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुनील सिंह सोलंकी लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिग्विजय सिंह को दी है, ऐसे में उनकी सीट बिल्कुल सेफ मानी जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सिंधिया को एक प्रायोरिटी पर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों ही राज्यसभा आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन तीसरी सीट को लेकर पेच फंस गया, क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद पूरा गणित अब बिगड़ गया है। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे से पहले राज्यसभा की 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पास 2 सीट जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। हालांकि दिग्विजय सिंह को लेकर भी कुछ कांग्रेस नेता नाराज हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर दिग्विजय सिंह के राज्यसभा जाने के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दरअसल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बहुमत साबित किया, तो उनके पाले में 112 विधायक थे, इनमें से 107 विधायक बीजेपी के, जबकि अन्य पार्टियों ने शिवराज का समर्थन दिया। वहीं बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि ये राज्यसभा के लिए बीजेपी को ही वोट करेंगे, तो ये समीकरण यहाँ पर बदल गया। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति रिपोर्ट।